गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका सेकंड टेस्ट है, आज मैथ्स का टेस्ट है आपका। तो अभी आपको एक वर्कशीट सेंड करी जाएगी ग्रुप में, ठीक है। जिस तरह से आपको लेसन सेंड किए जाते हैं, उसी तरह से आपको एक वर्कशीट सेंड की जाएगी ग्रुप में, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है और उस पर 12-13 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनके आपको आंसर आंसर लिख के अपनी नोटबुक में आंसर करने हैं, ठीक है। उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और फिर करने के बाद उस आंसर की, जहाँ भी आते आंसर करें, उस पेज के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसकी साफ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर फोटो खींच के आप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको करना क्या है? देखते हैं वर्कशीट क्या है वो। ये है आपकी टेस्ट वर्कशीट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर। आपको इनका नंबर बताना है कि नंबर कौन सा है। इसमें नंबर नेम लिखना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन डालना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट्स कम आफ्टर, इनके बाद क्या आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट्स कम बिफोर। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बताना है, ठीक है, अरेंज करना है इनको। सेवन्थ क्वेश्चन में इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर सिक्स्थ में असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर एट में इनके बीच के ऑड नंबर लिखने हैं। ऑड नंबर पता है आप सभी को, 21 से 29 के बीच में जो जो ऑड नंबर आते हैं वो लिखने हैं। 45 से 54 के बीच में जो जो ऑड नंबर आते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। ऐसे ही इवन नंबर लिखने हैं, 11 से 17 के बीच में, 78 से 86 के बीच के इवन नंबर लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पोजीशन लिखनी है यहाँ पे कि टेंस पे कौन है और वंस पे कौन है इस नंबर में। ऐसे ही इस नंबर में टेंस पे कौन है, वंस पे कौन है। और इसमें क्या करना है, जो अंडरलाइन कर रखा है डिजिट, ठीक है, उसकी आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो टेंस पे है या वंस पे है, ठीक है। और ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको इनको ऐड करना है, जैसे एक के ऊपर एक रख के ऐड करते हैं ना, उसी तरह से आपको इन दोनों को ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। 13th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, ठीक है, कर लेंगे। इजी एक्सरसाइज है आप सभी के लिए, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लेना और आपको एक घंटे के अंदर, ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा आपको कि उस टाइम के बीच में ही आपको ये अपने आंसर सेंड करने हैं और ग्रुप में ही आंसर सेंड करने हैं। उसके बाद जो भी कोई आंसर सेंड करेगा उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको एक घंटा दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, और एक घंटे के बाद ग्रुप को ऑन कर दिया जाएगा ताकि आप आंसर भेज सकें। आपको 10 मिनट मिलेंगे सिर्फ आंसर भेजने के लिए। अगर उस 10 मिनट के अंदर आपने आंसर भेज दिए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आपके आंसर्स नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। तो आप आराम से कीजिएगा टेस्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ईजी है, हो जाएगा। थैंक यू।